किसी भी इमेज को एनिमेटेड वीडियो में बदलने के लिए मैंने आपको कई AI टूल्स के बारे में बताया है, जिनमें एक है पिका लैब। पिका लैब से आप अपनी किसी भी इमेज को एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पिका लैब में आप अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करते होंगे तो आपको आपकी वीडियो की क्वालिटी कुछ इस तरह की मिलती होगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पिका लैब में आप अब तक जो भी वीडियो कन्वर्ट कर रहे हैं वह आप पिका लैब की मर्जी से बना रहे हैं। पिका लैब जैसी वीडियो आपको कन्वर्ट करके देता है आप उसे ही यूज करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं उस तरीके से पिका लैब से आप अपनी मर्जी की वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इन वीडियो को देखें, ये एक ही इमेज से वीडियो बनाई गई हैं। पहली वीडियो जो आप देख रहे हैं वह पुराने तरीके से बनाई है, जो तरीका आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं कितनी बेकार है। और जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं वह उस तरीके से बनाई गई है जो तरीका आज मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले तरीके से बनाई गई वीडियो नई तरीके से बनाई गई वीडियो की क्वालिटी में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। तो आज का तरीका देखने के बाद आप भी पिका लैब में अपनी मर्जी से अच्छी क्वालिटी की जैसी चाहे वैसी वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को अलग अलग एंगल से कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यह एक ही इमेज से वीडियो बनाई गई है जो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग एंगल से आपको दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से आप भी किसी भी एंगल से अपने प्रोजेक्ट के लिए वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिका लैब का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ज्वाइन बीटा पे क्लिक करना है और यहाँ से पिका लैब्स के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। पिका लैब्स के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने के बाद आप डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे। अगर आपने पहले से किसी और टूल के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन किया होगा तो आपको उन टूल्स के लोगो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पिका लैब्स का लोगो यह बिल्ली वाला लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर जनरेट 1, जनरेट 2, जनरेट 3 इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको किसी भी एक ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये कर्सर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर टाइप करना है /create। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर /create प्रॉम्प्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ +1 more है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज का, इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस इमेज को लेकर आएंगे जिससे हमें अपनी वीडियो यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले हम अपनी इस इमेज को पुराने तरीके से वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद नए तरीके से कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको पुराने तरीके की जनरेट की हुई वीडियो और नए तरीके की जनरेट की हुई वीडियो में डिफरेंट अच्छे से पता चल जाए। इमेज सेलेक्ट करने के बाद प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन में अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ बाइक मूविंग फास्ट। उसके बाद यहाँ एंटर दबाएंगे। अब कुछ देर यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी, हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मेरी यह इमेज यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। ऊपर आप मेरा यहाँ यूजर नेम देख सकते हैं, इसी तरीके से आपका भी यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इससे आप अपनी वीडियो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक बार हम अपनी वीडियो को यहाँ पर दोबारा प्ले करके देखते हैं और देखिए, आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कितनी बेकार यहाँ पर जनरेट हुई है। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया कि अभी तक आप जो तरीके से अपनी वीडियो यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं तो उसमें आपकी वीडियो की क्वालिटी आपको किस तरीके से मिल रही है। अब हम अपनी इसी इमेज को नई तरीके से वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और आप उसकी क्वालिटी देखकर चौंक जाएंगे। वापस आते हैं अपने प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन में, टाइप करते हैं /create, क्रिएट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं, +1 more पे क्लिक करते हैं, अपनी इमेज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन में अब हमें यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालना है। पहले जो हमने प्रॉम्प्ट डाला था बाइक मूविंग फास्ट, वह डालेंगे और उसके बाद हमें अलग एक प्रॉम्प्ट डालना है, जो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद हम अपनी इमेज को यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ एंटर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग चलेगी और हमारी नई वीडियो यहाँ जनरेट होकर आ जाएगी। अब हमारे नए प्रॉम्प्ट से नई वीडियो जनरेट होकर के आ चुकी है। अब आप यहाँ पर हमारी पहली वीडियो की क्वालिटी और इस नई वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं। एक ही इमेज से हमने अपनी दोनों वीडियो को बनाई है, लेकिन दोनों वीडियो की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है।
अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यह प्रॉम्प्ट क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है। पहले मैं आपको यहाँ पर यह क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी यह प्रॉम्प्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। अभी जितना प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसका मतलब यहाँ समझा देता हूँ, इस प्रॉम्प्ट का आपको क्या फ़ायदा मिलना है। पहले आपको दिखाई दे रहा है FPS 24, इसका मतलब है फ्रेम पर सेकेंड। यह पिका लैब्स में डिफ़ॉल्ट 24 होता है, इसे 24 ही रहने दें। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मोशन, मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ डिग्री डिटरमेंट, यानी कि आपकी वीडियो में मोशन कितना हो। मोशन 1 से लेकर 4 तक होता है, 1 का मतलब होता है सबसे कम और 4 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, तो आप इसे 4 ही रखें। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है GS 15, इसका मतलब है गाइडेंस स्केल, यह 10 से 15 के बीच में होता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनिमेशन आपके प्रॉम्प्ट के उतने करीब होगी, तो आप इसे 15 ही रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नेट, इसका मतलब है नेगेटिव। इसमें आपको अपने वह शब्द डालने होते हैं जो आप अपनी वीडियो में नहीं चाहते, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्द यहाँ पर डाल रखे हैं जो मैं अपनी वीडियो में नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको एक सिनेमेटिक वीडियो जनरेट करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें नेगेटिव में कार्टून भी डाला हुआ है। लेकिन अगर आप कोई कार्टून वीडियो जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप नेगेटिव में कार्टून ना डालें, एनिमेशन वगैरह ना डालें, नहीं तो आपकी कार्टून वीडियो या एनिमेशन वीडियो सही से जनरेट नहीं होगी। यानी नेगेटिव में आप अपने अनुसार वह सब डाल सकते हैं जो आप अपनी वीडियो में नहीं चाहते। अब आपको इन स्केल के बारे में अच्छे से पता चल गया है कि यह स्केल आपकी वीडियो को जनरेट करने में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं अपनी वीडियो को हम अलग अलग एंगल से कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने इस प्रॉम्प्ट में कुछ और ऐड करना है। इसके लिए जहां हमने अपना प्रॉम्प्ट डाला हुआ है बाइक मूविंग फास्ट, उसके बाद हमें यहां पर टाइप करना है हाइपन कैमरा। अब यहां से हम अलग अलग एंगल से अपनी वीडियो को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि जूम इन, जूम आउट, पैन लेफ्ट, पैन राइट, पैन अप, पैन डाउन। अब जिस तरीके से भी आपको अपनी वीडियो जनरेट करनी है, सिंपल हमें कैमरे के आगे लिखना है। जैसे कि अभी मैं जूम इन वीडियो जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं कैमरे के आगे टाइप करता हूं जूम इन, और बाकी अपने सारे प्रॉम्प्ट को ऐसे ही रहने देना है और यहां एंटर पे क्लिक कर देना है। अब हमारी जो वीडियो यहां जनरेट होकर आई है उसमें आपको जूम इन इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से हम जूम आउट वीडियो जनरेट करते हैं, तो इसके लिए कैमरे के आगे टाइप करते हैं जूम आउट और एंटर दबाते हैं। अब हमारी वीडियो यहाँ जूम आउट इफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से पैन अप, पैन डाउन और पैन लेफ्ट, पैन राइट वीडियो को जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी इमेज है वे 9:16 रेशो में है, तो हमारी जो वीडियो यहाँ जनरेट हो रही है वे भी 9:16 रेशो में ही जनरेट हो रही हैं। लेकिन अगर हमें अपनी YouTube वीडियो के लिए यहाँ पर अपनी इमेज से वीडियो जनरेट करनी है, तो हम यहाँ पर 16:9 रेशो की वीडियो कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए वापस हम अपने प्रॉम्प्ट में आएंगे और जहाँ पर GS15 लिखा है उसके आगे टाइप करेंगे हाइफन AR 16:9 और बाकी सारा प्रॉम्प्ट ऐसे ही रहने देंगे, एंटर दबाएंगे। अब हमारी जो इमेज यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट होगी वह 16:9 रेशो में जनरेट होगी। अगर आपको आपकी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इसे यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आपको आपके प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और आपको अपने प्रॉम्प्ट में जो भी यहाँ पर चेंजेस करना है वह चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें और आपकी नई वीडियो यहाँ जनरेट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पिका लैब में अपनी मर्जी की अच्छी क्वालिटी की अलग अलग एंगल से वीडियो जनरेट कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे डायरेक्ट वहां से कॉपी कर सकते हैं। पिका लैब से बनाई गई वीडियो से आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए हॉरर वीडियो बना सकते हैं, लव स्टोरी वीडियो बना सकते हैं या फिर आप AI मूवी भी बना सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि आप पिका लैब की वीडियो का इस्तेमाल करके हॉरर वीडियो, लव स्टोरी वीडियो या फिर AI मूवी कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर पहले से ही ट्यूटोरियल वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। और उन वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से अपने YouTube चैनल के लिए एक अच्छी क्वालिटी की AI मूवी या फिर लव स्टोरी या फिर हॉरर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।